हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको अपने एक और स्टूडेंट से मिलवाता हूं जिसने एनडीए 2019 अभी अभी क्वालिफाई किया है। काफी सारे बच्चों ने किया है, पर एनडीए 2 क्वालिफाई करने के बाद, क्योंकि यहां पर आए हुए बच्चे सभी आउट ऑफ स्टेशन के हैं, तो अभी तन्मय भोपाल आया हुआ, तो मैं आपके साथ इसके एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि इसके पास अभी ये एनडीए 2 के साथ साथ टीएस का भी कॉल है। 12 2019 में कंप्लीट हुई। तो तन्मय, आप तन्मय नागपुर के डिस्ट्रिक्ट से है, तो आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन बताएगा। तो तन्मय, जैसे आप यहां पर आए, तो आपके आने का क्या रीजन रहा और यहां पर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि आज इम्पिटस गुरुकुल से क्लासरूम के अलावा हजारों ऑनलाइन बच्चे भी जुड़े हुए हैं और वो जब वीडियो देखते हैं या पढ़ते हैं, तो वैसे आपको भी कुछ फील हुआ होगा। तो यहां पर आके आपने क्या क्या फील किया और आपके क्या एक्सपीरियंस रहे, ये बच्चों को बताओ और वो भी फिर आगे उसी ढंग से अपनी पढ़ाई करें और एक अच्छा रिजल्ट दे पाए। हेलो फ्रेंड्स, माई नेम इज तन्मय देशमुख, आई एम फ्रॉम यवतमाल एंड आई वुड लाइक to congratulate all my friends who have cleared the NDA written examination and best of luck to all of them for their SSB. My journey started from 11th class when I started my NDA preparation. मैं military school में था, 11th 12th मैंने military school से complete किया। फिर जब मैं दिवाली और summer vacation में घर जाता था, तब स्टेट बोर्ड के कुछ टॉपिक मैं सर्च करके देखता था उसके रिलेटेड वीडियो और कंसेप्ट डेवलप करने के लिए। तभी मैं इम्पिटस गुरुकुल के चैनल से अवेयर हुआ है, मेरे एक दोस्त ने बताया, तो फिर मैंने सर की वीडियो देखना चालू किया। फिर उसके बाद मुझे जैसे लत लग गई सर के, मैं हर रोज वीडियो देखता था और दिन ब दिन मैंने सर की पूरी प्लेलिस्ट पूरी देख ली थी, एक भी वीडियो नहीं छोड़ा था। फिर मैंने तो सोच लिया था कि सर के पास कोचिंग जाना है, लेकिन अभी नहीं जा सकते। तो फिर मैंने नवंबर में एक सितंबर में एक अटेम्प्ट दिया 2018 में, उसके बाद अप्रैल में भी दिया, लेकिन लैक ऑफ प्रिपरेशन की वजह से प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, इसकी वजह से मेरा क्लियर नहीं हो पाया। फिर मैं डिसाइड किया कि एनडीए तो क्वालिफाई करना है, उसके लिए उसको स्पेशल टाइम देना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि बच्चे जेई के लिए ड्रॉप लेते हैं तो क्यों ना हम एनडीए के ले ले, तो मैंने एक साल ड्रॉप लिया और फिर मैं भोपाल आ गया। फिर यहाँ आने के बाद मैंने क्लासरूम कोर्स ज्वाइन किया एनडीए का, उसके बाद रोज सुबह एक मतलब पूरा डिसिप्लिन के साथ रूटीन चालू होता था, 7 बजे 7 बजे यहाँ आना, 1 घंटा मैं अगले दिन जो पढ़ाया सर ने पूरा रिवाइज करता था, एक ब्लैंक पेज पे पूरा लिख लेता था, और फिर 8 बजे जैसी क्लास स्टार्ट होती थी, फिर हमको मतलब यहाँ सर ने पूरी आदतें डेवलप कर दी थी, एक जगह पे कंटिन्यू सिटिंग, उसके वजह से हमको सेल्फ स्टडी में बहुत प्रॉफिट हुआ, हम एक जगह पे बैठ पाते थे, नहीं तो मैं पहले 1-2 घंटे से ज्यादा एक जगह पे बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकता था। फिर पढ़ाई चालू की और रिगार्डिंग मैथ्स प्रिपरेशन शरद सर जो जो भी बोलते थे वो सब मैंने फॉलो किया और रेगुलर टेस्ट दिए, और रेगुलर टेस्ट के साथ सबसे मेन चीज थी कि टेस्ट का एनालिसिस करना, कहाँ पे लैग करते थे, क्या कमजोरी है, ये सब देखते थे। और हर टेस्ट के बाद तो हमें यहाँ पे उसका एनालिसिस मिल ही जाता था सर की तरफ से, तो एनालिसिस ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी मेरे एग्जाम क्रैक करने के पीछे, एग्जाम पेपर एनालिसिस रेगुलर करना कहाँ पे। और रिगार्डिंग जीएस प्रतीक सर, फालके सर, इरिना मैम, इन्होंने बहुत मेहनत करवा के ली थी, और मतलब जीएस तो मैम जैसे पढ़ाती थी पूरा याद ही हो जाता था तब तभी, और रूम पे जाके रिवाइज मारना, उसको ब्लैंक पेज पे बिना देखे हुए जो जो मेन पॉइंट्स है वो लिख के देखना। फालके सर ने फिजिक्स यहाँ से बेसिक से स्टार्ट किया था, उसका मुझे फायदा एक्स ग्रुप के एग्जाम में भी मिला, मैंने दोनों के फॉर्म फिलअप किए थे एक्स वाई और एसएसआर के, एंड मैंने दोनों भी एग्जाम पास कर ली एनडीए के प्रिपरेशन के साथ साथ ही, मैंने उसके लिए कोई अलग प्रिपरेशन नहीं की थी, लेकिन मेरा एम क्लियर था कि मुझे एनडीए में जाना है। मुझे दोनों के भी मेडिकल लेटर आए, मैं दोनों नहीं गया मैं, और मैंने यहाँ पे आने के बाद एक चीज सबसे अलग लगी मुझे कि यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच मेरा बहुत अच्छा डेवलप हुआ, मतलब हार्ड क्वेश्चन भी मेरे से
आसानी से बनने लगे। सर की जो टेक्निक थी पढ़ाने की, पहले बेसिक से स्टार्ट करें, फिर कंसेप्ट बिल्डिंग, उसके ऊपर बेसिक प्रॉब्लम, यहाँ पे हम मुझे लेवल वन की शीट मिलती थी वो सॉल्व करें, उसके बाद लेवल बढ़ती जाती थी, तो इसका मुझे बहुत फायदा हुआ। उसके बाद फिर हार्ड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, उसकी वजह से भी मुझे बहुत फायदा मिला। और जो OMR के इसमें मेरी गलती होती थी, जो मैं प्रीवियस दो पेपर में करते आया हूँ एनडीए से, यहाँ पे आने के बाद मुझे सेम टाइप की OMR यहाँ मिली, उससे मैं मेरी गलती जान पाया, कहाँ गलती हो रही है क्या, तो उसका भी मुझे बहुत फायदा हुआ। एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल इम्पेडस गुरुकुल टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ फॉर देयर हार्ड वर्क बिहाइंड माई सक्सेस, एंड थैंक यू ऑल। अभी जैसा आपने तन्मय से सुना, देखिए कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बच्चा रेगुलर मॉर्निंग में 7 o'clock पे आता था और रात को 9, 9:30 बजे हम बोलते थे जब जाता था। इम्पिटस में एक चीज होती है कि करीब करीब 6 to 7 hours एवरीडे क्लास होती है और उसके अलावा बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, अगर किसी को फॉलो करो या किसी को मानो तो पूरी तरह से मानो, और इसने ये बात की। और देखिए कि आपने न केवल कट ऑफ से बल्कि इसका स्कोर 400 प्लस था, श्योरिटी थी कि हो जाएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप SSB भी क्वालिफाई कर लोगे। एक पॉजिटिव माइंड से प्रिपरेशन करनी है और ये सोच के नहीं जाना, पेपर देते समय भी मैं एक बात बोलता था कि हमें एनडीए सिलेक्शन के लिए नहीं, नॉलेज के लिए पढ़ना है। SSB भी देने जाओ तो ये मत सोचना क्या होगा, हम अपना जीवन का बेस्ट करेंगे, ऑल द बेस्ट। और फिर से जब SSB क्वालिफाई हो, फिर से आप अपने जूनियर्स को, बच्चों को मोटिवेट करो, यही शुभकामनाएं देने जाऊंगा। वंस अगेन ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर।